तो भाई लोग कैसे हो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप बजाकर टाइटल कैसे ले सकते हो पबजी मोबाइल के मेट्रो मोड के अंदर। वेल गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी ऑल पर सेट कर दो, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट यूट्यूब के ऊपर लाते रहता हूँ पबजी मोबाइल से रिलेटेड। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो भी जल्दी से जाओ इंस्टा को फॉलो कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये जो टाइटल है बजर का वो आपको गाइस मेट्रो मोड के अंदर देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, इसके कुछ क्राइटेरिया है, दो गाइस इसके मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तो आपको यहाँ पे चैप्टर रिवर्ड्स में मैं लेके चलता हूँ। बस आपको जो टाइटल है बजर का आपको वो अगर चाहिए तो इससे दो क्राइटेरिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइटल को लेने के लिए, जो कि फर्स्ट है गाइस फेम लेवल, आपका फेम लेवल 30 होना चाहिए, एंड सेकंड क्राइटेरिया गाइस हाईएस्ट अर्निंग। ओके, तो आपकी हाईएस्ट अर्निंग जो वो 30 मिलियन तक होनी चाहिए। तो मेरे भाई, अगर आपको फेम लेवल 30 करना है तो उसके लिए दो अलग तरीके है। सबसे पहला तरीका है गाइस आपको पे दिख जाएंगे मिशन से, तो इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ। एंड मिशन के सेक्शन में आपको दो अलग अलग मिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट होता है स्टोरी मिशन एंड सेकंड होता है वीकली मिशंस। सो जब आप स्टोरी मिशन कंप्लीट करते हो तो आपको लगभग 300 तक आपको फेम लेवल पॉइंट्स इजीली मिल सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे एक भी स्टोरी मिशन नहीं बता रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी 30 मैक्स मेरा हो चुका है। एंड और यहाँ पे जो वीकली मिशन है वो हर मंडे को सुबह 5:30 बजे रिफ्रेश होता है। एंड याद रखिए, ये जो मिशन आपको दिए हुए वो आपको कंप्लीट करने हैं। एंड जब आप कंप्लीट कर दोगे तो आपको हर एक मिशन कंप्लीट करने के बाद आपको पे एक फेवरेबिलिटी पैक मिल जाएंगे, उसी के साथ मुझे पे 100 फेम पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि मुझे फेम लेवल इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। एंड थोड़े बहुत पे मुझे मेट्रो कैश भी मिल जाएंगे। सो आपके सामने जो मैं मिशन है वो करके बताता हूँ। मुझे पे लगभग 3 लाख की मुझे वैल्यू सेल करनी, उसको मैं गोन पे टैप करता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस मैं फटाफट से कोई आइटम सेल कर जाता हूँ। यहाँ पे लगभग मेरे पास टैबलेट पीसी है, लगभग इसकी वैल्यू 5 लाख से ऊपर हो जाती है। सिंपली इसको मैं सेल कर देता हूँ और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गाइस मेरा मिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पे मुझे कलेक्ट करता हूँ इसको मैं, तो यहाँ पे मुझे भाई फेवरेबिलिटी पैक मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे फेम पॉइंट्स भी मिल जाएंगे और यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत मेट्रो कैश भी मिल जाएगा। ओके, एंड गाइस याद रखिए जो वीकली मिशन है वो आपको 10 दिए जाते हैं हर एक वीक के अंदर। ओके, तो गाइस ये एक तरीका हुआ जिसकी मदद से आप फेम लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। फेम लेवल इंक्रीज करने का दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल, आपको सिंपली गाइस मैचेस वगैरह खेलने के मेट्रो मोड के अंदर। एंड आप जितना ज़्यादा गाइस यहाँ पे टाइम स्पेंड करोगे आपको उतने ज़्यादा पे फेम लेवल के पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे। एंड आप जितने ज़्यादा गाइस प्लेयर्स मारोगे, जितने ज़्यादा बॉट मारोगे और जितने ज़्यादा आप मॉन्स्टर्स मारोगे, डिफीट करोगे उनको, तो आपको उतने ही ज़्यादा पॉइंट आपको पे मिलने वाले। फिलहाल गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गाइस मैंने एक मैच खेला था जो कि मैंने 20 मिनट पे सर्वाइव किया था और यहाँ पे मैंने रियल बंदे जो 6 मारे थे, मैंने यहाँ पे बॉट 11 मारे थे और यहाँ पे मैंने एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारा था और यहाँ पे लगभग गाइस मैंने 3 लाख की लूट कर ली थी। एंड गाइस इसके अंदर मेरे भाई पॉइंट इंक्रीज हुए 568 पॉइंट्स। तो याद रखिए गाइस, आपको मैचेस वगैरह खेलने के मेट्रो मोड के अंदर थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लीजिए, एवरेज टाइम सर्वाइव कर लीजिए, थोड़े बहुत बॉट मारिए एंड रियल प्लेयर को भी मारने का ट्राई करिए एंड मॉन्स्टर को मारिए और थोड़े बहुत लूट कर लीजिए, आपके अच्छे खासे पॉइंट अर्न हो जाएंगे फेम लेवल के। तो गाइस ये दूसरा तरीका हमारा फेम लेवल इंक्रीज करने का। एंड सेकंड क्राइटेरिया है जो कि हमारा हाईएस्ट अर्निंग। तो गाइस इसके लिए आपको नॉर्मल से कोई भी आप मैप वगैरह खेल सकते हो। जो हमारा फर्स्ट मैप है फ्रंटलाइन कन्फ्रंटेशन, तो गाइस आप लगभग आराम से 4-5 लाख की लूट आप आराम से करके आ सकते हो अगर आप गेम ऐप खेलते हो तो। एंड सेकंड और थर्ड मैप ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो थर्ड मैप है ओल्ड ब्लॉक जोन एडवांस, तो गाइस इसके अंदर एक एरिया है जो कि रेडिएशन जोन। एंड गाइस अगर आप रेडिएशन जोन के अंदर जाते हो तो आपको भाई 10,000 की ऊपर ही लूट मिलने वाले, 10,000 के नीचे एक भी आइटम आपको देखने को नहीं मिलेगा रेडिएशन जोन के अंदर। लेकिन गाइस इसमें दिक्कत ये है कि आपको बहुत सारे बंदे देखने को मिल जाएंगे, टोटल आई गेस 5 या 6 स्क्वाड इसमें पूरा स्पॉन होता है। एंड गाइस सारे के सारे बंदे रेडिएशन जोन के लिए मतलब जाने के लिए फाइट करते हैं एंड अर्ली फाइट देखने को मिलता है, सारे बंदे लेवल 6 के आते हैं, तो गाइस आपके मरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सो गाइस बस यही दिक्कत है इसमें, अगर आप एक बार रेडिएशन जोन में चले गए तो आपको इतना सारा लूट लेके आओगे आप एटलीस्ट एक मैच के अंदर का 1 मिलियन से ऊपर की लूट लेके आ सकते हो। गाइस इतने तगड़ी लूट मिलती है रेडिएशन जोन के अंदर, ठीक है। लेकिन गाइस बात वही आ जाती है कि बहुत तगड़े बंदे आते हो तो आपको फाइट भी करना होगा उनके साथ। लेकिन गाइस अगर आप फाइट अवॉइड करना चाहते हो तो गाइस नॉर्मल से फ्रंटलाइन कन्फ्रंटेशन मैप के लिए रियल बंदों को मारिए, बॉट को मारिए, बॉस को मारिए, उनकी गन इक्विप कर लीजिए, रियल प्लेयर को मारिए, उनकी लूट लीजिए, आप गाइस नॉर्मल से पे 4-5 लाख की लूट आराम से करके आ सकते हो, ठीक है। सो गाइस यही, एंड गाइस याद रखिए जो हमारी नेट अर्निंग है वही सिर्फ गाइस सिर्फ हमारे हाईएस्ट अर्निंग में काउंट होती है एंड बाकी कुछ भी काउंट नहीं होता है। सो गाइस यही आपको कुछ करने हैं, दो क्राइटेरिया कंप्लीट तभी आपको जो टाइटल है बजर कर तो वो आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। आई गेस मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ उस टाइटल को। सो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, पीस आउट।